मोटोरोला का एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो चुका है, मोटो एज 50 फ्यूजन। ये स्मार्टफोन काफी हद तक काफी दिलचस्प है। इसकी प्राइसिंग काफी अग्रेसिव कंपनी ने रखी है। इसका आप दो वेरिएंट है, मतलब एक 256 और 128 दो वेरिएंट है। 22,000 से 25,000 रुपए के अंदर ये दोनों वेरिएंट आ जाते हैं और इस प्राइस सेगमेंट में कंपनी ने काफी कुछ दिया है। मैं आपको बताता हूँ क्या है और क्यों इस प्राइस रेंज में ये फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है, ये भी बताऊंगा। पहले जान लेते हैं कि इस फोन में क्या है। मैंने कुछ समय तक इसे यूज किया है। यूज करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस इस फोन के साथ कैसा रहा है ये आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोन के डिस्प्ले की, जो कि इसका एक बहुत बड़ा मतलब एक यूएसपी भी है। इसकी डिस्प्ले काफी क्रिस्प लगती है देखने में और इसकी डिस्प्ले जो है वो कर्व्ड है, तो काफी प्रीमियम फील देता है और अपने प्राइस से थोड़ा सा महंगा ही लगता है। 6.7 इंच की डिस्प्ले है, पीओएलईडी डिस्प्ले है, मतलब ओएलईडी ही टेक्नोलॉजी इसमें यूज किया गया है और 1080x2400 पिक्सल्स इसके आपको रेजोल्यूशन है, प्लस 1600 निट्स की इसकी पीक ब्राइटनेस है। और एक प्रॉब्लम ये होगी कि चूंकि जो कर्व डिस्प्ले वाले फ़ोन होते हैं उसमें आपको टेम्पर्ड ग्लास लगाने में मुश्किल होती है, और ये भी मतलब ये पूरा कर्व नहीं है बट हल्का कर्व डिस्प्ले इसमें ज़रूर है। अब बैक पैनल की बात कर लेते हैं तो काफ़ी प्रीमियम फ़ोन लगता है, मतलब ऑफिस में मैंने जितने लोगों को दिखाया किसी ने ये नहीं बोला कि 30,000 रुपए से कम का फ़ोन होगा, बिकॉज इसमें आपको स्वेड फिनिश दिया गया है जो लेदर जैसा ही है। इसके साथ एक प्रॉब्लम भी होगी, जो कलर मेरे पास है लंबे समय तक बिना कवर के अगर आप यूज़ करेंगे तो ये गंदा होगा, डर्ट काफ़ी आसानी से इसमें अट्रैक्ट करेंगे, बट ऐसे काफ़ी प्रीमियम लगता है। पीछे आप जो देख पा रहे होंगे दो कैमरा लेंसेज हैं जो दोनों ही 50 मेगापिक्सल के हैं। सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। अच्छी बात एक और है वो बताता हूँ, कंपनी ने इसके साथ बॉक्स में जो चीज़ें इंक्लूड करी हैं वो एक कवर है जो कि आप इसके फ़ोन के पीछे लगा सकते हैं, और कवर फ़ोन के कलर का ही है, मतलब ये हार्ड कवर है, पीछे लग जाता है, लगने के बाद फ़ोन थोड़ा सेफ हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि बॉक्स में आपको चार्जर भी मिलता है 68 वॉट का और केबल भी मिलता है, तो आजकल इन दिनों कंपनियां फोन में सिर्फ केबल ही दे रही हैं, तो इसके साथ अच्छी बात यह है कि आपको सब कुछ बॉक्स में मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें IP68 रेटिंग भी है। IP68 रेटिंग होने का मतलब साफ है कि आप इसे अगर बारिश में भी यूज करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पानी में फोन पूरी तरीके से सबमर्ज भी हो जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं है, फोन में कोई इशू नहीं आएगी। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो जो 50-50 मेगापिक्सल के दो कैमरे दिए गए हैं, तो जो प्राइमरी कैमरा है वो काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करता है। कई सारी फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करी हैं इंडोर में, आउटडोर में, कम रोशनी में, लगभग हर तरीके का जो सिचुएशन है काफ़ी अच्छे से ये फ़ोन हैंडल कर लेता है। और सेल्फी कैमरा चूंकि 32 मेगापिक्सल का है वो भी पहले वाले जो इनके एज सीरीज़ होते थे उनसे काफ़ी बेटर इससे आप सेल्फी क्लिक कर सकते हैं। फ़ोन भले ही कितना आपको स्लिम दिखता हो और हल्का भी है, फ़ोन ज़्यादा भारी नहीं है, इसके बावजूद इसमें 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है और 68 वॉट का वायर्ड चार्जिंग का ऑप्शन है। प्रॉब्लम यह है कि इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि 20,000 से 22,000 रुपये के कैटेगरी वाले फ़ोन में आप वायरलेस चार्जिंग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इनफैक्ट IP68 रेटिंग भी इस प्राइस सेगमेंट में कोई और कंपनी नहीं देती है, लेकिन ये आपको IP68 रेटिंग वाला फ़ोन ज़रूर मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस की, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए इस फ़ोन में जो प्रोसेसर है वो क्वालकॉम का है और 4nm आर्किटेक्चर पर बना हुआ है। स्नैपड्रैगन 7 Gen 2 चिपसेट दिया गया है, जो कि अगर आप नथिंग 2A से कंपेयर करें तो उसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी है, वो भी 4nm आर्किटेक्चर का है, तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों फ़ोन लगभग एक ही तरीके के हैं। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे मतलब अभी तक कोई लैग ऐसा फील नहीं होता है और जो यूज़र इंटरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है। उसकी वजह यह है कि इसमें एंड्रॉयड 14 बेस्ड कंपनी का अपना कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है और मोटोरोला की हमेशा से ये खासियत रही है कि ये स्टॉक एंड्रॉयड की तरह ही इंटरफेस देते हैं ऑलमोस्ट, मतलब इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर मुझे तो एटलीस्ट नहीं मिला। जो है मोटोरोला के कुछ सारे ऐप्स हैं इनबिल्ट वो काफ़ी काम के हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एक मोटोरोला का ऐप है जो काफ़ी पहले से मोटोरोला अपने फ़ोन में देती है, तो वो अगर आपको फ़ोन को ज़्यादा पर्सनलाइज बनाना है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जेस्चर सपोर्ट है, मतलब ट्वीक कर सकते हैं, आप इसे शेक कर सकते हैं तो टॉर्च जल जाएगा, और मोटो सिक्योर है जो सिक्योर फोल्डर है बेसिकली, उसमें आप
वॉल्ट की तरह है, उसमें आप अपना फाइल्स या फिर फोटोज रख सकते हैं, डिस्प्ले को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ ट्वीक कर सकते हैं और बहुत सारे इसमें पर्सनलाइजेशन के फीचर दिए गए हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। मोटोरोला के कुछ और जैसे मोटो कनेक्ट है, मोटो सिक्योर है, मोटो अनप्लग्ड है, अगर आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना है तो वो वाला मोड है जिसमें मोटो अनप्लग्ड काम करता है, फैमिली स्पेस है और डॉल्बी एटमोस का भी एक ऐप दिया गया है क्योंकि इस फ़ोन में ऑडियो के लिए कंपनी ने डॉल्बी एटमोस के साथ पार्टनरशिप किया है तो उसका ही टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ होता है। तो ओवरऑल लुक एंड फील के लिहाज से फ़ोन काफ़ी अच्छा दिखता है और फ़ोन अच्छा काम भी करता है और डिस्प्ले तो काफ़ी अच्छी है ही। आप डिस्प्ले पे जो लॉक स्क्रीन पे है काफ़ी सारे यहाँ भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, आप AI से वॉलपेपर भी जनरेट करा सकते हैं, जैसे आपको गूगल के पिक्सल फ़ोन में AI से वॉलपेपर जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ भी वो सारा फीचर आपको मिलता है। तो ओवरऑल इस प्राइस सेगमेंट में ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी कहा जा सकता है। कुछ कमियाँ ज़रूर हैं लेकिन वो कमियाँ डील ब्रेकर नहीं हो सकती और जो पिछले कुछ समय से मोटोरोला के जो फोन्स आ रहे हैं धीरे धीरे कंपनी खुद को बेटर करे और शायद यही वजह है कि उनका जो सेल है काफ़ी तेज़ी से 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। आने वाले समय में और भी इन सब फ़ोन के वजह से मुझे लगता है कि सेल इंक्रीज होगी क्योंकि दूसरे फोन्स जो हैं 30,000 के अंडर में इतनी सारे फीचर्स आपको नहीं देते, कुछ डाउनसाइड ज़रूर हैं और लॉन्ग टर्म रिव्यू में बहुत सारे डाउनसाइड मिलते हैं क्योंकि ये अभी कुछ समय ही यूज़ किया मैंने, तो लॉन्ग टर्म रिव्यू पढ़ने के लिए आप आज तक .in के टेक सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं। कमेंट में आप बताएं कि आपको ये फ़ोन अभी पहली नज़र में कैसा लगा।